हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार है। ये उपाय आपके बालों को देखते ही देखते ही बहुत लंबा बना देगा और साथ ही आपके बाल अगर झड़ रहे हैं या फिर ग्रोथ कम है तो उसे भी ठीक करके आपके बालों को मजबूत और हेल्दी बनाएगा। ये बहुत ही असरदार और इफेक्टिव नुस्खा है और बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यदि आपके बाल डैमेज है उनको भी ठीक कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस खास नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस नुस्खे को रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है एक बड़ा सा आलू। इसको फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको वॉश कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको छिलके समेत इस आलू के टुकड़े कर लेने हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसके छोटे टुकड़ों में इस तरीके से इसको स्लाइस के रूप में इसको करूंगी। इस तरीके से हम इसके स्लाइस कर लेंगे छिलके समेत। इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इनको स्लाइड्स के रूप में इन्हें अच्छे से काट लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हमें इसमें जो सेकंड चीज चाहिए होगी वो है ओनियन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक चाहिए होगा एक ओनियन। हम प्याज को भी कद्दूकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका अच्छे से छिलका उतारने के बाद में इसको इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस ओनियन को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको एक महीने में यूज करने में ही आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा कि पहले से जो झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बालों को रीग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने प्याज को भी कद्दूकस कर लिया है और पोटैटोस के उसके स्लाइड्स कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आपको लेना है किसी बर्तन में पानी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लगभग 1 लीटर पानी लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने स्लाइड्स करे थे, जो पोटैटोस के जो स्लाइड्स किए थे हमने, अब इन स्लाइड्स को हम इसमें पानी में अच्छे से इस तरीके से, अब इसके बाद में हम फ्रेंड्स इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। अब इन कटे हुए टुकड़ों को इस पानी में अच्छे से बॉईल करना है ताकि जो इनका स्टार्च है पोटैटोस का इसके पानी में अंदर से घुल जाए। पानी को जब तक बॉईल करना है जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए। आलू के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और हमारे बालों को लंबा, घना और काला बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आलू में ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी जड़ों जो ब्लॉक हो जाती है उनको अनलॉक करता है और साथ ही हमारे बालों को रीग्रोथ करने में यानी कि नए बाल उगाने में आपकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको मैंने लगभग 15 मिनट तक इसे बॉईल किया है। इसके बाद में आपको जो कद्दूकस किया हुआ हमारा जो ओनियन है यानी कि प्याज है उसे हम इसको मिला लेना है। और फिर से इसे 2 मिनट तक उबाल लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, प्याज को ज्यादा नहीं उबालना है क्योंकि फ्रेंड्स हमें प्याज को इतना उबालना ताकि हमारा जो पानी है, जो हमारा जो रेडी किया हुआ पानी है उसके प्याज के सारे रस जो हैं उसमें पानी में अच्छे से आ जाए और हमारा एक अच्छा सा नुस्खा रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से अब उबल चुका है यानी कि बॉइल हो चुका है। अब इस पानी को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये अब अच्छे से बॉइल हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब ये ठंडा हो जाए तो इसके अच्छे से किसी स्ट्रेनर की सहायता से इसे स्ट्रेन कर लेना है। इस पानी में आपके पोटैटोज के और ओनियन के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार और कारगर होते हैं। ये हमारे बालों के लिए एक मैजिकल रेमेडी है, जो कि एक मिरेकल की तरह काम करती है हमारे बालों पर। यह नुस्खा आपके बालों को बहुत ही ज्यादा फास्ट और रैपिडली ग्रोथ करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी का कलर भी चेंज हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स ओनियन के और पोटैटोस के सारे तत्व इसमें मिल चुके हैं। ओनियन में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है और हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को झड़ने से रोकता है, जो कि हमारे बालों की जड़ें जो ब्लॉक हो जाती हैं उनको भी अनब्लॉक करने में बहुत हेल्प करता है। ये फ्रेंड्स काफी असरदार और नेचुरल नुस्खा है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिला लें, क्योंकि फ्रेंड्स कोकोनट ऑयल जो है बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है और आपके बालों की ग्रोथ करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग एक चम्मच तो फ्रेंड्स अभी हमारी मैजिकल रेमेडी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। अपने बालों को शैम्पू से वॉश करने के बाद में लास्ट में इस पानी से अपने बालों को अच्छे से धो लीजिए। याद रहे, आपको इस पानी से वॉश करने के बाद में अपने बालों को दोबारा वॉश नहीं करना है। दूसरे दिन आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और अगर आप इसकी स्मेल से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको 2 घंटे तक लगाकर रखने के बाद में तो इसको किसी शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आपको वीक में 2 बार यूज करना है और इसको 1 महीने के इस्तेमाल से ही आपके इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसके इस्तेमाल से आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिलेगा। इससे आपके बाल जो है तेजी से बढ़ने लगेंगे, यानी कि रैपिडली ग्रोथ करेंगे आपके बाल। आपके बालों को काला, घना और मजबूत बनाएगा। तो आप इस रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और असरदार नुस्खा है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही होम रेमेडीज लाती रहूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली होंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।